ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन थ्री सेल्स, तीन सेल्स है। पहला सेल है आपका एक मोलर कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए हुए, एक मोलर कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं और एक मोलर पोटेशियम क्लोराइड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, ठीक है। अभी देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मेंटेन कांस्टेंट इन ईच ऑफ द सेल्स, व्हिच इज द करेक्ट स्टेट ऑफ व्हिच इज द करेक्ट सेट ऑफ पीएच चेंजेस इन ए बी एंड सी सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन समझिए, तीन सेल्स हैं आपके, पहला एक मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, दूसरा एक मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज किए और तीसरा एक मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किए फिर से। और ये तीनों सेल्स में आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, क्या रखा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा हुआ है और आपको बताना है कि तीनों सेल्स में जो पीएच चेंज हो रहा है वो कैसा है रिस्पेक्टिवली, यानी पहले इंक्रीज हो रहा है सब में या डिक्रीज हो रहा है सब में, या पहले में इंक्रीज हो रहा है दूसरे में कांस्टेंट रह रहा है तीसरे में इंक्रीज हो रहा है, या पहले में डिक्रीज हो रहा है दूसरे में कांस्टेंट रह रहा है और तीसरे में इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे करोगे सोचो इसको थोड़ा, ठीक है, सोच लिया। आगे देखिए, फिर देखिए दोस्तों ये जो है ना इसका जो आंसर है ना आपको थोड़ा सोचना है, पहले इंक्रीज इन ऑल थ्री आप सोचिएगा, तो देखिए आपको ये कैसे रिलेट करोगे पहले वो सोचिए। इसके लिए आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या लिखता हूं ये ऐसा देखिए, लिथियम के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीखनी है तो प्लीज वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद रखते हैं, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, दिख रहा है ना, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, समझ में आ, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में, उसके बाद देखिए, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, लिथियम के काका नाना मांगे आलू पानी में मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, उसके बाद देखिए, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, तो ये सारे इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन से नीचे है, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। आगे हम लोग उल्टा आते हैं, है ना, ऐसा होता है पहले क्या होता है, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और मर्क्यूरी को, और तो और का मतलब एजी होगा, और तो और मर्क्यूरी को इडियट I2 होगा कुत्ता का कुत्ता, और फिर से आपका हाइड्रोजन होगा, देखिए फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार और तो और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता का, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी आपका हाइड्रोजन एच प्लस है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे और वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिए सारे एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है, यानी अगर Cu है Cu प्लस है सपोज आपका या Cu2 प्लस है तो हाइड्रोजन जो है ना इनको इलेक्ट्रॉन देगा और ये Cu में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं और इन सारे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है, समझिए। तो देखिए यहां पे पहले एक मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, प्लैटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कोई टेंशन ही नहीं है, देखिए कॉपर सल्फेट है,
अभी कॉपर सल्फेट है, कॉपर है तो कॉपर को कौन रिड्यूस करेगा बोलो, आपका एच टू ना, यानी एच टू कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, एच टू कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी खुद किस में कन्वर्ट होगा वो, एच प्लस में। अगर खुद एच प्लस में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और पीएच क्या होगा बोलो, आपका पीएच क्या होगा बोलो भाई, एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा बोलो भाई, क्या होगा डिक्रीज होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना कम पीएच होगा, पीएच क्या होगा बोला आपका डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए डिक्रीजेस इन ऑल थ्री, ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन आगे देखिए ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये खुद ही रिड्यूस होगा, खुद ही ऑक्सीडाइज होगा, यानी देखिए ये कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो रहा है Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी देखिए ये खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज, यानी कि खुद क्या हो गया रिड्यूस हो गया, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखिए KCl, देखिए पोटेशियम है, क्या है बोला आपका पोटेशियम है। अभी देखिए पोटेशियम किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन को, यानी अगर आपका H+ है तो पोटेशियम उसको इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, H2 में कन्वर्ट कर देगा। देखिए आपका जो H+ है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहां पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली पीएच क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर, डिक्रीजेस कांस्टेंट इंक्रीजेस। सिंपल सीरीज क्या था, याद क्या था, देखिए पहले इसमें क्या था आपका हाइड्रोजन कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसके पीएच डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है, खुद ही खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद ही खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए पीएच क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। मस्त क्वेश्चन है, समझिए कॉन्सेप्ट को, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, आपको समझा दूंगा फिर से एक बार अलग क्वेश्चन लेके।